नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब पूरे देश में नंबर वन बन गई है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर 500 और नई इलेक्ट्रिक बसें उतार दी हैं। बताना, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजीबी के सक्सेना के साथ मिलकर आईपी डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन 500 बसों को बेड़े में शामिल करने के बाद दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई है, जबकि सीएनजी बसों को मिलाकर कुल 7232 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें बैटरी से चलेंगी और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित एवं सीसीटीवी पैनिक बटन और जीपीएस से लैस हैं। इन बसों के आने से दिल्ली वालों का सफर और भी आसान हो जाएगा। बताते चलें कि ई बसों के संचालन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी काफी कमी आएगी। इससे दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आएगी और वातावरण साफ सुथरा होने वाला है। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 500 नए इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज 500 और इलेक्ट्रिक बसें परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की गई हैं और इसके अलावा मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अब दिल्ली के पास 1300 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं और दिल्ली इलेक्ट्रिक बसों के मामले में देश में नंबर वन बन गया है। वहीं दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर उनकी कोशिशें आगे जारी रहने वाली हैं। गुरुवार को सुबह इंद्रप्रस्थ डिपो में इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन कार्यक्रम राष्ट्रगान से शुरू किया गया। वहीं एलजीबी के सक्सेना व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक बसों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बसों में मौजूद अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इसके उपरांत हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। इस मौके पर परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। बताते चले कि यहां पर प्रदूषण के खिलाफ सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। जी हाँ, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि आज दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा और शुभ दिन होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ठोस कदम उठाया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि एक सीएनजी बस 1 किलोमीटर चलती है तो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक सीएनजी की जगह एक इलेक्ट्रिक बस 1 किलोमीटर चलती है तो उससे 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। वही अगर इलेक्ट्रिक बस की जगह कोई और बस होती तो वो वातावरण में 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ा देती और दिल्ली में प्रत्येक बस रोजाना कम से कम 200 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस तरह से पूरे साल में एक बस करीब 70,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। अगर पूरे साल का देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक बस के संचालन से साल में करीब 56 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। दिल्ली में पहले से ही 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और इन 800 ई बसों के चलने से पिछले 1.5 साल में करीब 34,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुआ है। बता दें, प्रदूषण के मद्देनजर देखें तो ये ई बसें बहुत ज्यादा राहत देने वाली हैं।